दोस्त है अल्बानिया से, और इसका नाम है अतनान। यस अतनान, या अल्बानिया से है, और माशाल्लाह ये भी मुसलमान है और यहाँ पे लेके मुझे जा रहा है सूट। पीछे आप देख रहे हैं ना कुछ लाट, ये पाकिस्तानियों की है। Name is Ali. Name is Ali. Only on the car showroom. Yeah. This one too. Oh, this one too. BLS car sale. ये owned by Pakistani भाई ये। अभी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं, और ये अपना भाई है अतनान, ठीक है। इसने मुझे अपना टेलीफोन नंबर दिया है और कह रहा है कि मेरा टेलीफोन नंबर ले लो, अगर कोई बंदा यहां पे आया तो ही वांट टू सी द एंकराज, सो ही कैन हेल्प यू, कॉल हिम, आई कैन डिस्प्ले द नंबर ऑन द स्क्रीन। ओके अतनान, सी, थैंक यू। ओके, यू विल टेक केयर एवरीवन, राइट? एवरीवन सेफ इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। ओके, ही फ्रॉम अल्बानिया, राइट? ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हां दोस्तों, कैसा लगा आपको? चलो यार, इस बंदे की मदद हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये भी अपना भाई है, किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ है, और ये देखो पीछे मेरे बर्फ़पोश पहाड़, और ये है मेरे पीछे जनाब ज़ू। अब चलते हैं अंदर इंशाल्लाह ताला, देखते हैं, और साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि यहाँ पे के एंकराज है क्या चीज़, और लास्का में क्या क्या चीज़ें हुई, या रेड इंडियन के साथ क्या क्या हुआ, जो कि आपको मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ। यार ये मेरी कॉल आ रही, लगता अली भाई की कॉल आ रही है शिकागो से, मैं इसको कॉल बैक कर लूँ, यार काफ़ी ज़्यादा उसने काले किए हैं। और अभी दोस्तों एक बात आपको बता दूं, मैं पहला पाकिस्तानी हूं जो यूएस अलास्का ज़ू के अंदर वीलॉगिंग कर रहा हूं, और अलास्का में मैं दूसरा पाकिस्तानी, और इस ज़ू के अंदर मैं पहला पाकिस्तानी हूं। दूसरा इस वजह से कि वो आपको पता, मैंने बताया कि वो इम्तियाज़ चांडियो भाई जो हैं वो नंबर ले गए, मैं पिछले साल आ जाता तो पहले नंबर पर आता, तो बाकी कुछ हमारे हिंदुस्तान के भाई हैं वो भी आ चुके हैं, बंगाली तो अभी तक नहीं आया कोई, बांग्लादेश से, नेपाल वगैरह से भी कोई नहीं आया। यानी कि मैं यहाँ पे, मैंने रिकॉर्ड बनाया है कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने यहाँ पे, या शायद कोई और आया हो जो उसने वीडियो बनाई हो मगर अपलोड ना की हो, मुझे यूट्यूब पे कोई नहीं मिला, तो मैं ही हूँ यहाँ पे जो पहला पाकिस्तानी। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया, बाकी चीज़ें भी देखनी है। और ये यहाँ का मशहूर भालू है यार, यहाँ अंदर भी होंगे इंशाल्लाह, और देखते हैं यहाँ पर। Hi, how are you? Good. Good, how are you? My camera is okay? Yep. Okay. So, I need one. Don't film me. Okay. Okay, so जी दोस्तों बढ़ गए अंदर, अब देखो ये जनाब जो हैं भालू साहब। अच्छा, यहाँ पे एक आपको बात बता दूँ कि यहाँ पर उन्होंने बताया, मैंने पूछा कि जब टिकट मैंने ली तो $20 की टिकट है, इन्होंने मुझे बताई, तो $20 की टिकट में वो कह रहे हैं कि जनाब, मैंने पूछा कि टैक्स के साथ है, कहती है कि यहाँ पे एंकराज में सेल्स टैक्स नहीं है। मैंने को वाह यार, ये तो बहुत अच्छा है, सेल टैक्स ही नहीं है भाई यहाँ पे। मैंने कहा ज़बरदस्त होगा, और शिकागो कितना अमीर है, ठीक है, तो वहाँ पे जनाब सेल टैक्स है बहुत ज़्यादा। ये है पॉलिटिशियन हर जगह के अपने, ये फ़ोटो फैंटेसी है, आप जनाब अंदर यहाँ बैठ के तो अपनी फ़ोटो ले सकते हैं यहाँ पर ना, यहाँ बैठेंगे तो बहुत सारी फ़ोटो आप ज़ू की चीज़ें इसमें नज़र आएंगी। और ये पोलर बेयर है नज़र, अभी देखता हूँ मैं, अभी अंदर तो नज़र नहीं आ रहा है। और मैंने वीडियो ड्रोन का पूछा तो उन्होंने कहा जी वीडियो ड्रोन आप जो है अंदर नहीं उड़ा सकते। मैंने कहा यार ऐ बड़ा मसला है यार, है ना। उस इधर है भालू, भालू है ही नहीं यार इधर,
यह है पोलर बेयर और ये उसके ढांचे पड़े हुए हैं यहाँ। ये देखो, ये किसी बच्चे का होगा, ये बड़े का, ये भी है और ये छोटा पंजा। ओ यार देखो यार, उसका पंजा देखो यार, मेरा हाथ देखो, इतना बड़ा पंजा है भाई उसका। ये नाखून सारे, ये क्या है यार, ये क्या है, ये रकून टाइप लग रहा है कुछ, ये घूमे जा रहा है। ये देखो, ओ पागल किधर चक्कर लगा रहा है तू, मैं चक्कर कटी जा रहा है। और ये लिखा हुआ कि ये जो तारे हैं ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फेंस है, इसमें बिजली भी हो सकती तो आगे बच जाएं। क्या बात है, पता नहीं झूठ लिखा हुआ ये क्या, पर आगे नहीं जाओ तो बेहतर ही है। ये फाल्कन है यहाँ, ओह आगे बंद हो गया। ये मूज हैं, किधर हैं यार, वो बैठे हुए हैं जनाब। ये पानी की बोतल ही मैंने खरीद ली, मैंने कहा यार प्यास भी लग सकती है, मगर है यहाँ पे ठंड बहुत है, मगर फिर भी बोतल होनी चाहिए। ये जंगल के अंदर एक बनाया हुआ, बिल्कुल जंगल ही है। लिखा हुआ क्वाइट प्लीज, खामोश। अच्छा भेड़िए भी हैं इधर, ये लिखा हुआ जी कॉफी शॉप इस तरफ, पोलर बेयर इस तरफ है, एग्जिट इस तरफ। अच्छा पोलर बेयर तो वहां पे है ही नहीं। इस तरफ चलता हूं, यार ये देखो, ये यहाँ का याक है और ये लोग जो अलास्का के या साइबेरिया के लोग थे ना, तो ये इसका दूध पीते थे। ये देखिए कुदरत है, इसको देखो, ये कंबल, मोटा कंबल है इसके ऊपर ना ये बनाया हुआ है। और ये किस्म की भैंस ही है यहाँ की, या गाय या भैंस इस तरह की, इसका दूध पीते थे, इसी का गोश्त खाते और इसी से यानी कि बहुत सारे फायदे हासिल, उसकी खाल वगैरह से, चमड़े से इसके जो है ना वो बनाते, क्या कपड़े वगैरह, जैकेट, ये चीज़ें ना। ये भी यहाँ पे भी है, वो दोनों बैठे हैं, देखो ना भैंसें लग रही दूर से ना, मगर ऐसे लग रहा है जैसे बर्फानी भैंसें हैं ना, इस तरह की लग रही हैं, काले रंग की। सूर्य के इनके ऊपर मोटा वो कंबल की तरह ऊन है ना इनके ऊपर। ये देखे ना, ये इसका नाम लिखा हुआ है, ओमिंग, ओमिंग मार्क। ये है यहाँ की भैंसें, समझ लें आप।
हाँ जी, ये यहाँ पे क्या है, ब्राउन बेयर और टाइगर जो है ना इस तरफ है, कॉफ़ी शॉप इस तरफ है, कॉफ़ी शॉप इस तरफ है। ये क्या है, आवाज़ किसकी आ रही है? अरे ये तिब्बत के आ गए हैं भाई, ये देखें, ये तिब्बत में भी पाए जाते हैं। देखो जो कुदरत ने रखा हो ना, जहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे ये कुदरत ने रखी चीज़ें के इंसानों के लिए। इंसान को ऐसे नहीं ज़मीन पे भेजा गया, ज़मीन पे हर चीज़ें थी, इस वजह से इंसान को यहाँ भेजा गया ना कुदरत ने। ये देखो ये तिब्बत के हैं, ये तो हमारे इलाके के हैं उस तरफ। यार वही स्मेल आ रही है जो गोबर की होती है ना, देखो कितनी मोटी इसके ऊपर जो है वो खाल है, जबरदस्त। और ये गाजरें खा रहे हैं यार, ये तो यार वो सह जो होती है ना वो कांटों वाली, वो ये देखो ये वो है मेरे ख्याल। पोर्क्यूपाइन भाई, ये सही है, ये पोर्क्यूपाइन इसको बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिकन है। ये देखो इतना बड़ा होता है ये, उसका जो मूस का जो है ना, जो सर के ऊपर जो उसके सींग होते हैं जिसको बारह सिंगा बोलते हैं। ये अल्पाका या अल्पासा, ये जू कॉफ़ी शॉप ये लिखा हुआ है। चलो यार कॉफ़ी तो पीते हैं यार, चलो चलते हैं यार अंदर देखते हैं इसको, कॉफ़ी शॉप ही पीते हैं यार। लिखा तो हुआ ओपन, लेट्स हैव कॉफ़ी। अभी यार दोस्तों ये मिल गई कॉफ़ी, ज़बरदस्त किस्म की कॉफ़ी है। और ये साथ मैंने ब्रेड लिए, इसके अंदर चीज़ है यानी कि पनीर है, और इसके अंदर शुगर है यानी कि बड़ा अच्छा नाश्ता मेरा हो जाएगा, ज़बरदस्त किस्म का। और ये आपको दिखाता हूँ मैं अंदर से, बड़ा ज़बरदस्त है ये बनाया हुआ ना। हेलो दोस्तों, मज़ा आ गया यार, कॉफ़ी शॉप भी पी लिए, गर्म हो गए यार थोड़ा सा, और एनर्जी भी आ गई है, कमाल हो गया। और वो पानी की बोतल मैंने हाथ में पकड़ी हुई थी ना, तो वो बर्फ़ वाला पानी था, वो ठंडा था, मेरे हाथ ही बहुत ठंडे हो गए, मैंने उसको बैग में रख लिया है। मैं भी कह रहा हूँ यार कि हाथ मेरे को ठंडे हो रहे हैं।